अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस पत्रकार गोष्ठी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का हम अभिनंदन करते हैं। इससे पहले के गहलोत साहब, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा शुरू करें, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा कि जिस थीम की वो चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में एक पोस्टर जो पार्टी की तरफ से बनाया गया है उसको वो अनवील कर दें और उसके बाद फिर उस विषय पर आपसे वो चर्चा करेंगे। सूर्यवाला जी और प्रियंका जी और तमाम मेरे साथीगण और प्रेस के मित्रों, जैसा भी आपको पोस्टर के विमोचन से एक मैसेज देने का कोशिश की गई कि विश्वासघात, और मैं समझता हूँ कि पूरा देश का मीडिया भी, आम लोग भी, लेखक भी, साहित्यकार भी, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस बात को भलीभांति समझ गया है कि 4 साल पहले मोदी जी जब सरकार बनाई थी तो सबको उम्मीद थी कि 30 साल के बाद में, 30 साल के बाद में, राजीव गांधी जी के बाद में पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला किसी सरकार को, स्पष्ट बहुमत मिला है 30 साल के बाद में। और उसी भावना के साथ में लोगों की आशाएं अपेक्षाएं थी मोदी जी से, खूब वादे किए गए थे, आपको मालूम है पूरे मुल्क में घूम घूम करके, और जनता ने भरपूर उनको सहयोग दिया, मतदान किया, विश्वास किया, उम्मीदें जगाई, अपेक्षाएं करी, पर जो विश्वासघात हुआ है जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी, हर साल विश्वासघात होता ही गया, हर साल होता ही गया, अप एंड डाउन नहीं आया, क्यों कभी अच्छे काम हो गए हों फिर वापस नीचे आ गए, ऐसी बात नहीं हुई। विश्वासघात की हदें पार करते करते आज हम ऐसी स्थिति पहुंचे हैं कि कांग्रेस के इस AICC में बैठ के आपसे बात करनी पड़ रही है और आपका सहयोग मांगने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जब तक मीडिया आगे नहीं आएगा, हम जानते हैं कि दबाव बहुत ज़्यादा है मीडिया पर, हमें कोई भ्रम नहीं है, राज्यों में भी है, केंद्र में भी है, उसके बावजूद जो लिखने वाला है, जो दिखाने वाला है, वो काफ़ी हिम्मत से चल रहा है। जो भी हमने देखा है कर्नाटक के अंदर, देखा हमने कर्नाटक की घटनाएं ने सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से मीडिया अपनी भूमिका निष्पक्ष निभाने का प्रयास कर सकता है दबाव के बावजूद भी, जो आपने कर दिखाया। उसी का परिणाम है कि वहाँ पर BJP को मुंह की खानी पड़ी, जो उनके मंत्रियों पे थे उसे पानी फिर गया। हम विश्वास करते हैं कि आगे भी आपकी भूमिका इस प्रकार रहेगी, क्योंकि अब क्रूशियल टाइम है, अब सिर्फ 1 साल बचा है, अभी 7 महीने बाद चुनाव आ जाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, मिजोरम के, उसके बाद में पिछला पार्लियामेंट चुनाव है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये इन्होंने जो कहते थे कि हम चाल, चरित्र, चेहरा हमारा अलग है, पार्टी भी डिफरेंट के रूप में हम काम करते हैं, बहुत सादगी, मित्रता,
चरित्र सामने रख के राजनीति करना चाहते हैं, इन्होंने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी है। जिस रूप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, आपको शायद जानकारी होगी सीनियर लोगों को, कांग्रेस ने कभी जश्न नहीं मनाया, एक साल का, दो साल का, तीन साल का, चार साल का। इनको मैं देख रहा हूँ राज्यों के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी, जिस तरीके से, जिस शानो शौकत से ये जश्न मनाते हैं और जो पैसे खर्च करते हैं, धनबल का प्रयोग करते हैं पैसों में, कल्पना के बाहर की बात है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, राजस्थान के अंदर भी करोड़ों रुपये खर्च करके जश्न मनाते हैं लोग। ये भूल जाते हैं कि जब हम लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जनता के ट्रस्टी होते हैं हम लोग, ट्रस्टी होते हैं, और वो जनता के पैसे को उड़ाने का हमें कोई हक नहीं है। तो आपने देखा होगा जिस रूप में इन्होंने पैसे उड़ाए हैं, जश्न मना रहे, हर वर्ष मना रहे हैं लोग, सरकारी पैसे से जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस ने परंपरा कभी नहीं डाली थी, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो परंपरा डाल रहे हैं और जिस प्रकार विज्ञापन दे रहे हैं ये लोग पूरे देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर, वो भी कल्पना की बार की बात है। हद पार करके विज्ञापन आते हैं इनके राज्यों में भी और केंद्र में भी, वो काम भी कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो इन हालातों में ये मुल्क आज चल रहा है, लोगों में बहुत भय है, अविश्वास है, हिंसा का माहौल है, जो मैं पहले भी कह चुका आपको। एक तरफ हमारे नेता कहता राहुल गांधी जी कि आपस में भाईचारे से, प्यार से, स्नेह से, विश्वास से राजनीति हो, अहिंसा के रास्ते पर राजनीति हो, और ये बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं। इनकी जो सोच है आरएसएस की या बीजेपी की, वो भी आपके सामने है। इसलिए आज कोई वर्ग जिनसे खुश नहीं है, चाहे वो किसान हो, खुला वादा किया गया था कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्लस 50% मिला करके हम MSP जारी करेंगे, खुला वादा किया था। आप बता दीजिए, वादा पूरा कर रहे हैं क्या? कितनी आत्महत्या हो रही है उसकी कोई चिंता ही नहीं है। जिस रूप में ये हर वर्ग को रोजगार के, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को निराश किया, मुश्किलें 5-6 लाख रोजगार मिले होंगे 4 साल के अंदर, युवा के साथ विश्वासघात, किसानों के साथ विश्वासघात, व्यापारी वर्ग के साथ विश्वासघात किया, जो वादे किए थे वो नहीं निभाए गए, और जिस रूप में महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या तमाशा करते थे लोग पेट्रोल और डीजल को लेकर के, महंगाई को लेकर के, उस जमाने के अंदर डॉलर्स और रुपए का जो मूल्य था उसको लेके इश्यू बनाया गया था। आज कहाँ डॉलर्स रुपए पहुंच गया है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय 140-135 पहुंच गए थे उस ज़माने के अंदर। तब जो रेट थी वो रेट वहाँ कम हो चुकी है, 40-50 आ गई, तब भी आपके यहाँ रेट बढ़ती जा रही है। मतलब डाका डाल रहे हैं ये बीजेपी की सरकार, NDA की सरकार, आम जनता की जेबों पे डाका डाल रही है। जो ब्लैक मनी से खरीदता है डीजल पेट्रोल, उसकी बात मैं नहीं करता, उनको तो पता नहीं पड़ता होगा, परंतु जो कमाई से खर्च करता है पेट्रोल डीजल, 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर, सोच नहीं सकते उस पर क्या बीत रही होगी, सोच नहीं सकते हम लोग। और इनको परवाह नहीं है, GST में लाने की बात राहुल गांधी जी ने करी थी पेट्रोल डीजल को भी, जिसे कैप लग जाएगी तो कम से कम फिक्स रहेगी रेट। आज तो राज्य सरकार अलग लूट रही है और केंद्र अलग लूट रहा है, वो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है किसी को पता नहीं है। हमारे वक्त में मुझे मालूम, जब मैं मुख्यमंत्री था तो सोनिया गांधी जी का एक आदेश आया था कि भाई महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, तो हमें चाहिए कि पेट्रोल डीजल पे, LPG पे आप रेट कम कर दें,
मैंने वहाँ 500 करोड़ की छूट दी थी वहाँ पर राजस्थान के अंदर। आज इनका एक राज्य सरकारें आगे नहीं आ रही है इमदाद करने के लिए कि भाई आज बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं, कम करेंगे रेट कम हो जाएगी। नया फॉर्मूला लागू कर दिया प्रतिदिन रेट बढ़ाने का। पर जब चुनाव चल रहे थे आपके कर्नाटका के अंदर, तो इनको पूछो उस वक्त में आपका जो फॉर्मूला था वो कहाँ चला गया। उस वक्त तो रेट नहीं बढ़ाई गई, चुनाव खत्म हुआ नहीं और रेट बढ़ाने का काम शुरू हो गया। इनकी कथनी व करनी में अंतर है, नीति व नियत में फर्क है। हिपोक्रेट लोग हैं ये लोग, फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र में यकीन नहीं लोगों का, इसलिए तमाम बातें हमारे सामने हो रही है। आज एससी एसटी वाले भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। घटनाएं बढ़ती, ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर, घटनाएं बढ़ती जा रही है। आज राजस्थान में आपने देखा होगा और राज्य में देखा होगा, बारात निकल रही है, दूल्हे को उतारे, घोड़ी से उतारे, बराते को पीट करके भगा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार घटनाएं हो रही है। बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है लगातार। कानून व्यवस्था की स्थिति तो राज्यों में से हो सकता है, पर जब माहौल बनता है देश के अंदर लव जिहाद का, घर वापसी का, तब कई बातें हो जाती है। करप्शन की बात तो मैं समझता हूँ कि पीएमओ खुद मैनेज करता है कि प्रधानमंत्री की छवि बनी रहे, क्योंकि उन्होंने करप्शन को लेकर के सरकार बनाई थी। अब इनको पूछो जो आप करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हो चुनाव के अंदर, क्या आपने बीजेपी के दफ्तर में पेड़ लगा रखे हैं, या पैसे की कमी हो रही हो, या कोई फार्म हाउस खरीद रखे आपने, या पैसा उगरा हो वहाँ पर? हदे पार हो गए जिस प्रकार से ये पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस रूप में इन्होंने जमीनें खरीद ली है सब जगह नोटबंदी के पहले, पूरे देश के अंदर बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, 5 करोड़ के। बल्कि सरकार आगे आकर के ज़मीनों के रेट कम कर रही है इन लोगों के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट में एक अपील फाइल हुई है, रोक लगाई गई वहाँ पर शिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये स्थिति बन गई इनकी। इलेक्शन में धनबल का प्रयोग तो खुलेआम हो रहा है। अमित शाह जी ने कल कहा कि अगर ये होटल में साथ नहीं रहते विधायक तो हमारी सरकार बनती। एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि हमारी सरकार बनती। उनको पूछो जब एंटी डिफेक्शन लॉ कानून आज बना हुआ है तो आपकी सरकार कैसे बनती, जब दस बदल हो नहीं सकता अब पहले की तरह? तो एक ही तरीका है, आप उनको लोभ देते, लालच देते, हॉर्स ट्रेडिंग करते, या तो इस्तीफे दिलवाते या अपनी पार्टी की तरफ वोट दिलवाते। जो खुलेआम ऐसी बात कर रहा हो तो आप सोच सकते हो इनका कहाँ लोकतंत्र विश्वास है। तो ये स्थिति जब बनी हुई है, करप्शन की बात तो राउडी जब बार बार उठाते हैं कि 50,000 करोड़ रुपये से 80 करोड़ अमित शाह जी के लड़के कैसे बन गए हैं। और राजस्थान में मालूम आपको, वसुंधरा जी के बेटे दुष्यंत जी ने, पीयूष गोयल जी ने तो 10 रुपये का शेयर बनाया है, 10,000 बनाया है। मैं सोचने वाले जो कह रहा था कि पीयूष गोयल जी तो 10,000 रुपये का शेयर बनाया है 10,000 में, वसुंधरा जी ने बनाया है 10 रुपये का शेयर 96,180 रुपये में, मतलब लगभग 1 लाख में। आप कल्पना करें कितने बड़े हिपोक्रेट लोग हैं, कांग्रेस बदनाम करते थे करप्शन को लेकर के, 10 रुपये का शेयर लगभग 1 लाख रुपये में बेचा इन्होंने। किसको बेचा? ललित मोदी जी को बेचा, आपस के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो जिस मुल्क में ऐसा शासन आ गया हो, जो फासिस्टी सोच रखता हो, जो भेदभाव करता हो, गोवा में, मणिपुर में, मिजोरम, गोवा में, मणिपुर में और मेघालय में, वहाँ अलग सोच हो और बेंगलोर में अलग सोच हो। मैंने याद दिलाया मीडिया वालों को कि वाजपेयी जी जब धरने में बैठे थे लखनऊ में, तब उन्होंने कहा था कि खेल के नियम जो है वो
अलग पार्टियों के दूसरे नियम है, हमारे लिए दूसरे कैसे हो सकते हैं? आज वहाँ पे क्या तमाशा किया गया? तो आज अगर छापे पड़ रहे हैं लोगों के यहाँ पर, सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स का छापा, कोई 22 एमएलए के उम्मीदवार के छापे पड़ गए वहाँ पे कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस वालों के पड़ते हैं, तो क्या बीजेपी के कोई सारे विधायकों के छापे पड़ने की स्थिति है ही नहीं वहाँ पर? जिस प्रकार ये तानाशाही प्रवृत्ति पे उतर आए हैं कि जहाँ पर आपका बताइए आप कि छापे पड़ने, सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो 50,000 से 80 करोड़ का जो मैजिक हुआ है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? 10 रुपये का शेयर जो 96,000 ज़्यादा का बिका है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये स्थिति जब बनी हुई है तो आप सोच सकते हैं कि किस रूप में कहाँ से धन आ रहा है, कहाँ से बाहुबल आ रहा है, किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, ये आपको सोचने की बात है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, क्योंकि जो प्रोग्राम दिया गया विश्वासघात का 26 तारीख को 4 साल हो रहे हैं पूरे बीजेपी सरकार के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, अभी आपको छोटे वाला जी और विस्तार से बताएंगे आपको, कि पूरे देश के राज्यों में, राजधानियों में, वहाँ पर हमारा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इनको पूरा एक्सपोज करेंगे, वहाँ पर धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, और तमाम जिलों के अंदर जिला कांग्रेस कमेटियों के नेतृत्व में वहाँ पर, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ पर धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे और प्रेस से बात करेंगे। इस प्रकार का प्रोग्राम देकर के हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर इनकी विश्वासघात जो हुआ है वो जनता को महसूस करवाएं, कांग्रेस ऐसे वक्त में आपके साथ खड़ी है। मुख्य रूप से जो जनता में आक्रोश है, कांग्रेस चाहती है हम आपके सुख और दुख में भागीदार बने, इसलिए कांग्रेस उन मुद्दों को उठाएगी जिससे जनता तकलीफ में, चाहे किसान है, चाहे वो नौजवान है, चाहे मजदूर है, चाहे SC ST OBC का आदमी है, चाहे करप्शन से पीड़ित आदमी है, कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। इस प्रकार से हम लोग इस काम को आगे ले आएंगे, और मैं समझता हूँ कि आज जो चौपड़ हो गए धंधे, जो मंदी का दौर चल रहा है, वो भी कोई किसी छिपा हुआ नहीं है, पूरे देश उससे त्रस्त है और उम्मीद करता है पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा। इसलिए अगले 2019 चुनाव के मिशन के रूप में जो रैली हुई थी हमारी 29 तारीख को, राहुल गांधी ने संबोधित किया था, हमने तय किया उस रैली के बाद में लगातार अगला चुनाव जो है कांग्रेस और जो पार्टी हैं लाइक माइंडेड उन सबको साथ लेके मैदान में उतरे, और अगले चुनाव में किसी भी तरह मोदी गवर्नमेंट जो फासिस्टी है, जो भ्रष्ट है, जिसने बर्बाद कर दिया मुल्क को, निराश कर दिया है, भट्टा बैठा दिया है हर वर्ग का, सब लोग दुखी हैं, उनसे छुटकारा कैसे मिले, ये एक संकल्प के साथ मैदान में उतर चुकी है, और संकल्प को पूरा करने के लिए देश का हर कांग्रेस जन, छोटा नेता है बड़ा नेता है, वो मैसेज जा चुका है राहुल गांधी जी का, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के कैसे मैदान में उतरेंगे, और 2019 के चुनाव और पहले आएंगे चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, मिजोरम के, उस पर हम अवश्य विजय होंगे, ये सोच करके मैदान में उतरना चाहते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी ने बताया, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस महासचिव इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन और सब नेताओं से मंत्रणा कर ये निर्णय किया है कि 26 मई 2018 पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विश्वासघात दिवस के तौर पर धरने प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार ने जो 4 वर्षों में जनता के साथ विश्वासघात किया है उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। बेवफाई की एक दास्तां जिसका सफ़र
चार साल से जारी है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके सारे पन्ने जनता के समक्ष रखने का संकल्प और जनता के समक्ष उजागर करने का निर्णय कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं और साथियों ने लिया है। मोदी जी ने कहा था कि वो भय, भ्रष्टाचार और भूख से मुक्ति दिलाएंगे। आज केंद्र और 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है या उनके अलाइज का, परंतु जैसा गहलोत साहब ने बताया, फिर भी किसान आत्महत्या की द्योड़ी पर खड़ा है। ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? किसान को लागत पर 50% कीमत मिलनी थी, परंतु किसान पाई पाई की कीमत के लिए मोहताज है, दर दर की ठोकरें खाता है। ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? मोदी जी ने कहा था कि 80 लाख करोड़ का काला धन 100 दिन में लेकर आएंगे और 15 लाख सबके खाते में डलवाएंगे। 48 महीने बीत जाने के बाद काला धन आना तो दूर, छोटे मोदी और बड़े मोदी काला धन, देश का जो सफेद धन है वो लेकर विदेश भाग गए। ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? भ्रष्टाचार के घोटालों पर मोदी जी चुप्पी क्यों साधे हैं? क्या ये सही नहीं कि वो व्यापम का घोटाला हो, वो 36,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ का पीडीएस घोटाला हो, वो 1,00,000 करोड़ का राजस्थान का माइनिंग घोटाला हो, वो ललित मोदी और दुष्यंत राजे सिंधिया घोटाला हो जिसमें 10 रुपये का शेयर 96,000 रुपये में बेच दिया जाता है, वो बैंकों का घोटाला हो, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का घोटाला हो, वो CBSE पेपर लीक घोटाला हो, वो जय शाह जी के 50,080 करोड़ में बदलने का घोटाला हो, पीयूष गोयल जी के 10 रुपये का शेयर 10,000 में बिकने की बात हो, विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव मोदी को देश से भगाने की बात हो, ये देश से विश्वासघात नहीं तो क्या है? क्या ये सही नहीं कि महंगाई आज जनता की कमर तोड़ रही है? 132 करोड़ लोग उत्पीड़ित हैं और मोदी जी 5,000 करोड़ के इश्तहार पैसा खर्च कर जनता का जश्न मना रहे हैं। क्या ये सही नहीं कि पेट्रोल और डीजल के माध्यम से 10 लाख करोड़ का डाका केवल केंद्र सरकार ने 4 साल में जनता की जेब पर डाला है, और अगर 21 राज्यों में 25% का वैट शामिल कर लें तो 7 लाख करोड़ और बनता है। ये 17 लाख करोड़ जो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से जनता की जेब से जबरन निकाला है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हैं, ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? क्या ये सही नहीं कि लोगों का पैसा जो बैंकों में जमा है आज उसकी सुरक्षा पर लेकर इस देश के लोगों को शक है? क्या ये सही नहीं कि एक तरफ घोटालेबाज बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग रहे हैं बेखौफ और मोदी सरकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति से, और दूसरी तरफ बैंकों में जमा पैसे की दरों में कटौती की जा रही है, वो चाहे EPFO का ब्याज हो, चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ब्याज हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज हो, चाहे सेविंग्स बैंक का ब्याज हो, चाहे किसान विकास पत्र का ब्याज हो, सबके ब्याज के अंदर कटौती कर दी गई और घोटालेबाजों को राहत। किसान को 2,00,000 करोड़ का कर्जा माफ करने के लिए पैसे नहीं, परंतु 12 उद्योगपतियों का 2,41,000 करोड़ माफ करने के पैसे हैं मोदी जी के पास। ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? क्यों अर्थव्यवस्था आज मंदी के दौर में चल रही है? GDP के बदले हुए आंकड़ों के बावजूद GDP आज 4 सालों में सबसे कम स्तर पर है। क्या ये सही नहीं कि निर्यात लगातार गिर रहा है और रोजगार सृजन भी स्वाभाविक तौर से गिर रहा है? ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा कर 7 लाख रोजगार जब पैदा करते हैं, 8 करोड़ रोजगार की बजाय 8 लाख अगर आप रोजगार पैदा नहीं कर पाते तो ये देश के नौजवान के साथ विश्वासघात नहीं तो क्या है? देश के दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी जिनको आपने सुरक्षा का वायदा किया था, परंतु उन्हें मिल रहे हैं अत्याचार और उनके अधिकारों पर प्रहार, ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? आए दिन राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ होता है,
पाकिस्तान के लोग सैनिकों के सर काट कर ले जाते हैं, मोदी जी चुप हैं। चीन डोकलाम पर कब्जा कर लेता है, मोदी जी चुप रहते हैं। आए दिन नक्सलवादी हमारे सैनिकों की दिन दहाड़े घात लगाकर हत्या करते हैं, सरकार पंगु बनी, मूक दर्शक बनी देखती है। चारों तरफ से चीन अलग अलग सामरिक क्षेत्र के अड्डे बना रहा है हिंदुस्तान के, परंतु मोदी सरकार चुप है। उग्रवादी पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान पर हमले करने के लिए, परंतु मोदी जी वहां दावत खाकर ही संतुष्ट हैं। ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? और इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि इस ढोल की पोल को पूरे देश के अंदर खोल देना है, इस साजिश का पर्दाफाश करना है। जनता के साथ किए गए 4 साल के विश्वासघात को लेकर एक हुंकार और रणभेरी जो गूंजेगी, वो फिर 2019 में जैसा आदरणीय गहलोत साहब ने कहा, वो एक ऐसा बलबला बनकर उठेगी जिससे अहंकारी सरकार को अर्श से फर्श तक का सफ़र इस देश के 132 करोड़ लोग तय करवाएंगे। और इसीलिए हमने, हमारा जो थीम है वो इस देश की जनता की आवाज़ है, इस देश की जनता की पीड़ा जो है उसकी अभिव्यक्ति करता है कि मोदी सरकार ने देश की जनता से विश्वासघात किया है। और 26 तारीख को देश के हर कोने में, हर जिला और प्रांतीय हेडक्वार्टर पर, चाहे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों, चाहे सांसदगण हों, चाहे विधायकगण हों, चाहे CLP के नेता हों, चाहे प्रभारी महासचिव हों, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक रणभेरी की गूंज वहां से उठेगी कि देश की जनता से मोदी जी का विश्वासघात अब मंजूर नहीं, अब बदलाव का समय है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। ये पहली बार देखने को मिला। वैसे तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसलिए हम कोई कमेंट नहीं करना उचित है, पर क्योंकि ये मामला आपने उठाया है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी बेइज्जती मैंने कभी नहीं देखी किसी मुख्यमंत्री की। क्या अमित शाह जी, और देखिए अमित शाह जी की और प्रधानमंत्री जी की, मुझे नहीं कहना चाहिए, प्रधानमंत्री पद बहुत गरिमा का पद होता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। पर एक मैं उनको सलाह देना चाहूँगा आपके माध्यम से, कृपा करके आप जो असत्य बोलना छोड़ दें। क्रेडिबिलिटी कम हो रही, अगर हमारे प्रधानमंत्री की, अमित शाह की क्रेडिबिलिटी कम होगी, अमित शाह की बात तो छोड़ दीजिए, वो पार्टी के नेता होंगे, पर प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी की मुझे चिंता है। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी कम होगी देश के विदेश के अंदर, तो पूरे देश को नुकसान होगा उससे। और मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि ये तथ्य गलत क्यों बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो या कोई कांग्रेस गई नहीं, भगत सिंह के वहाँ पर उसकी बात हो, तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो इतिहास को और सिलेबस को तोड़ मोड़ा गया, जब जब इनका मौका आया है देश के अंदर सरकार बनाने का, पहले भी आए, केंद्र में आए, राज्य में आए थे, तब तब जो उन्होंने तोड़ा मोड़ा होगा, तो जो मोदी जी तो आज़ादी के बाद पैदा हुए मेरी तरह, उन्होंने जो इतिहास पढ़ा होगा वो उस इतिहास में ही लिखा गया होगा, इसलिए वो इनोसेंटली बोल रहे होंगे। तो कृपा करके उनको वो जो उनका सिलेबस है, इतिहास है, उसको जरा वो ठीक वापस करवा दे। इतिहास को कभी तोड़े मोड़े नहीं, इतिहास बनाना सीखे जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा ले सकें।
उसका मैंने कहा ना आपको, मेरे वक्त में हमने वेट कम किया था, उसमें वेट था उस वक्त में। ये सरकार को कम करने की बजाय ये लूट रही है, पूरे देश की जनता को लूट रही है, लूट रही है पूरे पेट्रोल डीजल के माध्यम से। वो पैसा इकट्ठा हो रहा है इनके पास में, खर्च का हो रहा है, क्योंकि जो इनकी स्कीमें हैं स्मार्ट सिटी स्कीम है, आज तक आप बता दीजिए 100 या 125 स्मार्ट सिटी घोषणा हुई थी, क्या कोई एक स्मार्ट सिटी बनी है क्या? आज तक इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट को कहा था एक एक गांव गोद ले लो, उन्हें पीएम के खुद का गांव गोद लिया हुआ है, क्या एक भी गांव का कायाकल्प हुआ है क्या? तो पैसा जा कर रहा, ये भी रहस्य बना हुआ है। इसका मतलब है वित्तीय प्रबंधन इनका इतना कमजोर है, उसके कारण से ये ना तो देश का भला कर रहे हैं, ना विकास कर पा रहे हैं, और जनता को लूट रहे हैं लोग। ऐसा है कि क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न विषय हैं, पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। जैसा गहलोत साहब ने कहा, एक अंग्रेजी की कहावत है आदरणीय साथी, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। और जब आप जान पूछ कर अनजान बन जाएं, तो ये और ज़्यादा राष्ट्रहित के विरुद्ध है। शायद मंत्री जी को अपने तथ्य दुरुस्त कर लेने चाहिए। भारत सरकार डीजल के ऊपर मई 2014 में एक्साइज ड्यूटी 3.46 रुपये थी, जब सरकार कांग्रेस की गई और मोदी जी की आई। मई 2018 में वो एक्साइज ड्यूटी 15.33 रुपये है, यानी 443% की बढ़ोतरी अकेले डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में मोदी जी ने की है। ये विदेशी कंपनियों ने नहीं बढ़ाया, ये 11 बार एक्साइज बढ़ाकर मोदी जी ने ये पैसा एकत्रित कर रहे हैं। पेट्रोल पर मई 2014 में एक्साइज ड्यूटी 9.20 रुपये प्रति लीटर थी, मई 2018 में ये एक्साइज ड्यूटी 19.48 रुपये प्रति लीटर है, यानी 211% की बढ़ोतरी मोदी जी ने की है 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर। ये पैसा भी विदेशी कंपनियों ने नहीं लिया, ये भी मोदी सरकार डकार रही है। और ये तब है जब $108 कच्चे तेल का भाव तब था, और 4 साल में अगर मोदी सरकार की औसत लगाएं तो कच्चे तेल की औसत $56 प्रति बैरल आती है, क्योंकि $78 तो अब हुआ है, औसतन $56 आती है। $108 में भी हम सस्ता तेल देते थे। और दूसरी बात, भारत सारा तेल नेपाल को सप्लाई करता है, नेपाल की सारी तेल की रिक्वायरमेंट पेट्रोल और डीजल की हम देते हैं, नेपाल में 12 रुपया हमसे सस्ता है आज भी। भूटान को भी हम सारा तेल सप्लाई करते हैं, वो कोई तेल प्रोड्यूस नहीं करते, वहाँ 22 रुपया सस्ता है। ये दर्शाता है कि 10 लाख करोड़ रुपया 4 साल में आम जनमानस की जेब पर डाका मारकर पेट्रोल और डीजल से जो मोदी सरकार ने इकट्ठा किया है, उसकी जवाबदेही वो देने को तैयार नहीं, और इसीलिए वो इस प्रकार के भ्रामक बयानात देकर देश को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ना उनको शोभा देता, बजाय इसके कि वो फॉर्मूला निकालने की बात करें और लोगों को बहकाएं, सीधे सीधे एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए, रेट अपने आप कम हो जाएंगे। मैंने इस प्रकार के किसी कोर्स के बारे में ना देखा और ना उसकी डिटेल्स अभी तक देख पाए, हम देखकर ही कोई टिप्पणी करेंगे। सर वो आपसे कौन चुनाव है? केराना जो लोकसभा का चुनाव है। ये तो अगर पार्टी नज़दीक आती है, जो स्वाभाविक है, स्थिति मुल्क में ऐसी बन चुकी है, विश्वासघात दिवस इसलिए मनाना पड़ रहा है
कि सभी वर्ग इतने दुखी हैं कि पब्लिक खुद मजबूर कर देगी हर रीजनल पार्टी को, नेशनल पार्टी को, कि वो नज़दीक आए। मेरा मानना है मैंने देखा उसको टीवी, मैंने भी देखा था। ये सुरजेवाला जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जब मोदी जी बड़े बड़े अपने ऑरेटरशिप का प्रदर्शन कर रहे थे तब कहते थे एक शेर के बदले 10 शेर काट के लाएंगे हम लोग। आज जनता पूछ रही है कि जो पिछले 4 साल में जितने शेर कटे हैं, जितने सैनिक मरे हैं, उतने तो यूपीए के 10 साल में नहीं मरे होंगे। तो टोटली ये खाली इनका शो जो है वो मीडिया के माध्यम से, जिस दिन आप इनको सबक सिखा दोगे उस दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि मीडिया दबाव में काम कर रहा है, तो इनकी गलत जो नीतियाँ हैं उनको बता नहीं पा रहा वो। वरना आप बताइए, एक ये जो एक श्री 10 सर की बात करी, अगर मीडिया उसको उस रूप में इनसे सवाल पूछे तो कोई जवाब उनके पास नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ा सेटबैक लग रहा है देश के अंदर। लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि राजस्थान तो मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ तो रोज़ आप देख लीजिए कि कोई न कोई गांव के अंदर बॉडी आती है। तो क्या बीतती होगी घर वालों पर, मैं समझ सकता हूँ। पर ये खाली सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी कांग्रेस कह चुकी है, पहले भी कई बार हुई है। हमारे बड़े बड़े सेना अधिकारी कह चुके, पहली बार कई बार हुई है। हमारी नीति थी कि ऐसी बातों को कभी कमेंट नहीं किए जाते हैं। कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वो हो गई, बस हो गई। जिसके साथ चोट हुई है खाली उस चोट को वो खुद सह रहा है, बस बाकी मालूम नहीं पड़ना चाहिए लोगों को। हमारी नीति ये थी जिससे कुछ सबक मिले। ये चोट पहुंची कितनी है, कितना सहला रहा है वो तो पता नहीं है। ये कहते हमने इतनी बड़ी चोट मारी है उसको, ये अपना बता रहे हैं कि मुक्का मारने का जोर से मारा है, उसको लगा नहीं लगा है ये उनको एहसास नहीं हो रहा है। तो हमारी नीति में उनकी नीति में राजनीति का फर्क है। हमें शासन करना आता है, उनको विरोध करना आता खाली। I'll come to you. Let him first and then Vikrant. चीन की यात्रा अभी आपको सुरजेवाला जी बताएंगे। एक मैं आपको खाली इतना ही बताना चाहता हूँ, हालांकि हो सकता है इसे हटके बात हो। राजस्थान में रिफाइनरी का एक काम था जो हमारे वक्त में वो शिलान्यास हो चुका था। उसका सोनिया गांधी जी ने शिलान्यास किया और काम उन्होंने शुरू नहीं किया, बंद कर दिया। हमारी गवर्नमेंट बदल गई थी। 4 साल के बाद में वापस नया एग्रीमेंट बना करके नाटक किया गया, प्रधानमंत्री जी आएंगे उसको शिलान्यास करने के लिए। तो मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आप तो हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हैं, जब सोनिया गांधी जी आई थी तब मंत्र पढ़े गए थे शिलान्यास के अंदर, अब वापस दोबारा आप आगे मंत्र पढ़ोगे वहाँ पर, तो ये अच्छी परंपरा नहीं होगी। तो आपको पता है क्या किया उन्होंने ये किया कि अब फंस गए वो, हमने इशू बना दिया। उन्होंने क्या किया, कार्ड नए छपाए और लिखा कार्य शुभारम्भ के अवसर पर जा रहा हूँ। उस अंदाज कर लीजिए आप, उनको घूमने का बड़ा शौक है। कल मैंने देखा वो रशिया में थे, अरे मैंने कहा रशिया कब पहुँच गए, तो पता नहीं पड़ता कब। हमारे यहाँ तो वो टूरिस्ट की तरह आते हैं देश के अंदर। पीएमओ मेरे ख्याल से 4 साल के इतिहास में, आज़ादी के बाद में सबसे कम पीएमओ बैठने वाले कोई
प्रधानमंत्री रहे हैं तो मोदी जी रहे हैं, ये तो मेरा, बाकी बात ही बताएंगे आपको क्या करना है। मुझे लगता है कि बात का सार तो आदरणीय साथी गहलोत साहब ने बड़े सटीक शब्दों में आपको बता दिया। हर 27वें दिन पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं, 54 से अधिक देशों में वो विदेश यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो देश को स्वाभाविक तौर से, समेत आप पत्रकार साथियों को, ये अपेक्षा है कि उसका नतीजा क्या निकला, व्हाट इज द आउटकम ऑफ ए बायलेटरल विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स ऑल विजिट्स हैव बीन जीरो सम विजिट्स, वो नतीजा विहीन विजिट्स हैं। और अब नया ये हो गया, जैसा आपने कहा भी, कि अब ना उनका कोई एजेंडा है, ना कोई संयुक्त बयान है, ना वार्तालाप की का क्या हल निकला, कौन से मुद्दे चर्चा हुए, उनके बारे में कोई आपस में बात बताई जाती। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री चीन गए, राहुल गांधी जी ने देश के विपक्ष के नेता के तौर पर कहा कि पहले डोकलाम में इस तरफ कब्जा चीन ने कर लिया, अब चिकन्स नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक कब्जा हो गया, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की बात है। परंतु एक सवाल का जवाब आया नहीं, क्योंकि मोदी जी ने उस मामले को उठाया नहीं। रूस जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, दोस्त है, भारत का मित्र है, पहली बार मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने सैन्य प्रैक्टिसेस पहली बार की पाकिस्तान की फौज के साथ। रूस कभी पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचता था, पहली बार मोदी जी के कार्यकाल में पाकिस्तान और रूस का हथियार बेचने का समझौता हुआ। पहली बार ये हुआ कि जो वो जो वन रोड वन बेल्ट है उसके अंदर रूस ने ये कहा कि वो भी चीन और पाकिस्तान के साथ हिस्सा लेंगे। तो आप हर रोज जाइए, हमें इतराज नहीं, पर राष्ट्र के हितों की सुरक्षा अवश्य करिए, और राष्ट्र के हितों की सुरक्षा की जबान बोलिए और उसका नतीजा देश को बताइए। प्रधानमंत्री किश्तियों में घूमने के लिए नहीं बने, ना जहाज में सवारी और सैर सपाटे के लिए बने। प्रधानमंत्री का काम केवल और केवल राष्ट्रहित की सुरक्षा है, और उस राष्ट्रहित की सुरक्षा में मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ओंधे मुंह गिरे हैं, सच्चाई है। I'll come to you, ma'am. I think there is somebody waiting. Let's have one round of हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, पर मैं आपको बड़े आदर से ये कहूँगा कि मैं आपकी भावना के एक अंश से असहमत हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कल भी लगभग सब स्टेट हेडक्वार्टर्स पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और जैसा आदरणीय गहलोत साहब ने बताया, 26 तारीख को जब विश्वासघात दिवस पर धरने, प्रदर्शन, जलसे जलूस होंगे, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और मोदी सरकार का विश्वासघात एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। मैं गहलोत साहब की बात में बात जोड़ते हुए ये भी कहूँगा कि हमारी बात को और स्वर और गति देने के लिए हमें कलम और कैमरे दोनों के सिपाहियों की मदद की भी आवश्यकता है, जो यूपीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पुरजोर समर्थन करते थे जनता की आवाज़ उठाने में। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो आवाज़ दब जाती है, तो हमें विश्वास है कि 4 साल बीत जाने के बाद जो प्रेस के साथियों से विश्वासघात हुआ है उसको लेकर आपका स्वर भी और बुलंद होगा। सवाल पूछिए।
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के हाथ किसान के खून से सने हैं। जिस प्रकार से मंदसौर में लाठियां और गोलियां चलाई गई और किसानों की लाशें बिछाई गई, वो मोदी सरकार के चाल चेहरा चरित्र को उजागर करता है। आज जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई एक नए सिरे से किसान की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का प्रयास कर रही है, तो एक घबराई हुई शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा अनाप शनाप शर्तें लगाना और किसान की आवाज़ की बुलंदगी में रोड़े अटकाना उनके भय को दिखाता है। परंतु वो घबराएं मत, शांतिप्रिय तरीके से शिवराज सिंह चौहान सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और लाखों लाखों किसान मंदसौर जाएंगे और मंदसौर से जो आवाज़ उठेगी वो पूरे मध्य प्रदेश और देश में फैलेगी और मध्य प्रदेश की सरकार को चलता करने में मंदसौर की पहली सभा निर्णायक साबित होगी। Let her complete and then I'll take your question also. Okay, sir. The Sterilite plant firing yesterday in Tamil Nadu, which as per news reports has now led to brutal killing of 10 people, which also includes a 17-year-old girl, it's a classic reflection of how people in this country are being brutalized by Bharatiya Janata Party and their allies. Let me remind you, friends, that AIADMK government is an active supporter of Modi government. The manner and fashion in which peaceful protesters were shot at, were lathi charged, were brutally killed, reflects the mindset of the AIADMK government as also the union government, the BJP government. A question has been rightfully asked by people of Tamil Nadu and the country. Why did Government of India not act when a private company was causing pollution in the heart of the urban area in this fashion, and people were protesting not for 90 days, but for many, many days? It's a 6-month-old agitation, 6 to 8-month-old agitation. It has been simmering. People have been protesting. People have been repeatedly going to agencies, both of the center and the state. Yet, for reasons best known to Government of India and best known to the state government, they were not protecting the interest of people of Tamil Nadu. They were subservient to the interest of one corporate house. Are the governments at the center and the state being run to serve the interest of one corporate house or to serve the interest of people of state of Tamil Nadu? And when peaceful protesters were marching, why were they fired at? Why were they lathi charged? Why was such brutality committed on innocent 17-year-old girls? There is no answer and no known example except in the BJP-ruled state of Madhya Pradesh in Mandsaur and similarly in Rajasthan and Gujarat that happened. Why is it that similar atrocities are happening across states ruled by BJP and their allies? Instead of seeking lame duck explanations in hindsight after killing people of Tamil Nadu, time that Prime Minister and the Chief Minister gave appropriate answers to people as to why
the government was being subservient and serving the interest of one corporate house instead of protecting the environment and life of people of Tamil Nadu and the country. प्रोग्राम अभी हमने बनाया है, ये डिस्कशन करने के बाद तय करेंगे, तब बताएंगे आपको हम लोग। फिर एक आप पीछे वाले साथी कई देर से सवाल पूछ रहे हैं, आप पूछ चुके हैं, उन्होंने पूछा नहीं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विल टेक वन मोर। आदरणीय साथी, जिस प्रकार से कल तमिलनाडु में पुलिस की दहशतगिरी से, पुलिस के अत्याचार और जुल्म से, पुलिस के द्वारा चलाई गई ताबड़तोड़ गोलियों और लाठियों से 10 लोगों की मौत हुई, ये दिखाता है कि सत्ता का अहंकार भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइज के सर पर चढ़कर बोल रहा है। क्या कारण है कि बजाय तमिलनाडु की जनता की रक्षा करने की बजाय, बजाय तमिलनाडु के पर्यावरण को बचाने के, बजाय तमिलनाडु की जनता की आवाज़ सुनने के, जो 8 महीने से इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, वहाँ की AIADMK की सरकार और देश की मोदी सरकार केवल एक कंपनी के हितों की रक्षा करने में जुटी है? क्या एक कंपनी के आर्थिक हित सैकड़ों लोगों की जान से बड़े हो गए हैं मोदी जी और AIADMK की सरकार के लिए? केंद्र सरकार ने 8 महीने से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जब लोग कैंसर और दूसरी बीमारियों से मर रहे थे और इस प्लांट के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो मोदी सरकार सोई क्यों पड़ी थी? AIADMK की सरकार ने बजाय उन लोगों से वार्तालाप करने के, उन पर पुलिस की गोलियां और पुलिस की लाठियां क्यों बरसाई? क्यों निर्दयता की सारी हदें केंद्र की मोदी सरकार और वहां की AIADMK सरकार पार कर गई? क्या सरकार का काम अब एक कंपनियों के आर्थिक हित साधना रह गया है या जनता की रक्षा करना रह गया है? इन सब बातों का जवाब प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहिए और वहां के मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए, क्योंकि दोनों सरकारें दोषी हैं इस सारे नरसंहार के लिए। देखिए, मैं कोई खाली एक घटना की बात नहीं करता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तो वैसे पक्ष को, विपक्ष को, सबको उसको मानना चाहिए। जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जो सत्ता पक्ष होता है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। दुर्भाग्य से गुजरात में चुनाव हुए तो आपने देखा होगा कि वो वोट देने के बाद में रोड शो करने लग गए, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। अगर आप बाहर आके चिन्ह बता देते हो तब भी कार्रवाई होती है, वो पूरा रोड शो करने लग गए। इसलिए मैंने कहा कि कितने क्लेवर हैं प्रधानमंत्री जी कि वहाँ मंदिर नहीं जा सकते कर्नाटक के अंदर, तो प्रोग्राम ऐसा बनाया पहले से ही उन्होंने कि नेपाल जाऊँ मैं, वहाँ पर मंदिरों में पूजा करूँ, दिन भर मीडिया दिखाए और कर्नाटक में उसका असर पड़े। तो जो नेता इस कदर बारीकी से धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं, इसलिए मैंने कहा था उस दिन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।